सियासत ना अपनी जो ऑपोजिशन है ना उसके लिए रखें, स्पोर्ट्स में ना रखें, क्रिकेट को इंटरनेशनली मिलाएं, जो जिस सौदे पे बैठे हुए मिलाएं, क्रिकेट होने दें। पाकिस्तान में ये एशिया कप होना चाहिए, नहीं तो मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान को उनके साथ किसी इवेंट में नहीं खेलना चाहिए, इवेंट इंटरनेशनल इवेंट हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे आईसीसी का हो, चाहे एशिया कप का हो। अभी जो 23 को मैच है, अगर वो वापस नहीं लेते स्टेटमेंट, तो 23 को भी मैं कहूंगा कि नहीं खेलना चाहिए। तनाई का शिकार, अपनी तनाई को इंडिया में क्यों ढूंढते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने पैरों में कब खड़े होंगे। वो इतराज करेंगे मगर चारा कोई नहीं, वो कहेंगे नहीं खेलते। अगर इंडिया पाकिस्तान इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करता एशिया कप में, तो एशिया कप क्या हुआ? तो फिर ये बात इनको माननी पड़ेगी। बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं, यहाँ खेल चुकी हैं, लेकिन भारत की जानिब से अब भी नाना इख्तियार की जा रही है। अगर नरेंद्र मोदी जो है इंडिया का जो वज़ीर-ए-आज़म है, वो पाकिस्तान के क्रिकेट को चला रहा है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। तो उन्होंने कहा जो आईसीसी में पैसे देते हैं उसमें इंडिया भी बहुत ज़्यादा पैसा देता है, ठीक है, तो हम जो है वो उस पैसे में से पाकिस्तान को भी पैसा आता है। बॉटम लाइन ये और सच्चाई ये है कि मनी टॉक्स, इंग्लिश में कहते हैं मनी टॉक्स, उर्दू में कहते हैं पैसा बोलता है भाई। जिसका जिसकी लाठी उसकी भैंस, पैसा उनके पास है, वो जो चाहे कर ले, और कोई कुछ। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि एशिया कप 2023 जो पाकिस्तान में होना है, अगस्त ऑलमोस्ट वहाँ पे होना है, उसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यहाँ से हम टीम नहीं भेजने वाले हैं, और ये क्लियर स्टैंड है। इसको लेकर अब पाकिस्तान की मीडिया में हड़कंप मचा है। पीसीबी ने अभी तक ये बात तक कर दी है, कमरान अकमल ने बोला है कि हम को टीम नहीं भेजनी चाहिए 2023 में, जो अक्टूबर में वर्ल्ड कप होना है इंडिया, उसमें टीम नहीं भेजनी चाहिए। हालांकि मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि ऐसी एक्टिंग और ऐसा नाटक पाकिस्तान ने 2016 में भी किया था। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पाकिस्तान में आके खेलने से इनकार कर दिया है, और इसमें बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि ऐसा भारत ने क्यों किया है। एक तरफ तो हम अच्छी अच्छी पिक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं बाबर आजम की विराट कोहली के साथ, दूसरी जानब ये प्रोपोगंडा क्यों हो रहा है? ये कौन सा प्रोपोगंडा? ये प्रोपोगंडा कि पाकिस्तान नहीं आके खेलना, कोई और दूसरा होगा, यूएई में खेल सकते हैं आप, श्रीलंका ले जाएं वहां खेल सकते हैं, लेकिन यहां नहीं खेल सकते। क्या पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा या करना चाहिए इस तरह? नहीं, देखिए ऐसे है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल एक आईसीसी का हिस्सा है, मगर थोड़ी सी इंडिपेंडेंट भी है। इस वक्त सिर्फ इंडिया कह रहा है कि नहीं जाना, तो लगता है ऐसे है कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और इंडिया के जो मैचेस हैं पाकिस्तान के साथ या किसी और के साथ, वो या श्रीलंका में होंगे या दुबई में होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान बीसीसीआई ये पीसीबी मान जाएगा इस बात। अच्छा, कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि हाँ वो इतराज़ करेंगे मगर चारा कोई नहीं, वो कहेंगे नहीं खेलते। अगर इंडिया पाकिस्तान इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करता एशिया कप में, तो एशिया कप क्या हुआ? तो फिर ये बात इनको माननी पड़ेगी। हाँ, अगर अगर ये हुकूमत शहबाज शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी की आपस में बात हो जाए कि क्रिकेट के तल्लुकात बहाल करने हैं, तो फिर ये सब कुछ हो सकता। जो इंडिया है उसके जो बीसीसीआई है, जो उसने ये कहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू कम टू पाकिस्तान, और उन्होंने बीसीसीआई के जो जय शाह हैं उन्होंने कहा है कि जो आई थिंक एशिया कप 2023 में हो रहा है, जो कि पाकिस्तान होस्ट करेगा, उसको न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट कर दें। और जो अब जारी बात है, ये अब पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर डिसअपॉइंटमेंट शो की है और इस तरह की सारी चीज़ें। और अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो हो रही है। अब पाकिस्तान ये कहता है कि जी आपने अगर ये करेंगे तो हम भी आपके साथ ये करेंगे, लेकिन क्या इंडिया को इसका फ़र्क पड़ेगा या पाकिस्तान को किसका ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान कहता है जी कि हमने तो इंग्लैंड की सीरीज़ भी की है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ भी की है, और इंडिया का इस तरह ये करना जो है वो ज़्यादती है। और जारी बात है, इस मैं देख रहा था कि शायद जो क्या नाम है उसका, एक वर्ल्ड कप भी होने वाला है, और शायद उसमें वो कोई इंडिया भी उसमें अपना जो है वो ये कह सकता है कि अगर पाकिस्तान जो है वो नहीं आ रहा तो वो भी कंप्लेन करके कर सकता है। लेकिन अगर अगर पाकिस्तान ये करेगा, ठीक है जी, तो फिर सारी बात है ये टिट फॉर टैट है, और ये एक नई लो है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आपको उनका लीडरशिप का माइंडसेट पढ़ना चाहिए, और दुनिया के सामने जाके कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। बस ठीक है, ठीक है, वो अपने घर, आप अपने घर, आपको नहीं पता कि वो बात नहीं करना चाह रहे,
जब क्रिकेट खेलना होगा, जब उन्होंने करना होगा, वो कर लेंगे खुद ही। जब वो करेंगे तो आप खामोश रहिएगा, ऐसी कौन सी बात है? आप ये जो चीजें हैं, मेरा ख्याल है दुनिया के सामने कंप्लेन शम्प्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। रमीज राजा ने मुझे मुझे क्या एक दफा नेशनल असेंबली में आके मैंने बताया था, एक स्पोर्ट्स कमेटी में आके बताया था कि भाई अगर नरेंद्र मोदी जो है इंडिया का जो वजीर आजम है वो पाकिस्तान के क्रिकेट को चला रहा है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। तो उन्होंने कहा जो जो आईसीसी में पैसे देते हैं उसमें इंडिया भी बहुत ज्यादा पैसा देता है, ठीक है, तो हम जो है वो उस पैसे में से पाकिस्तान को भी पैसा आता है, ठीक है जी। अब ठीक है, अगर पाकिस्तान कहता है जी बायलैटरल आपने नहीं खेलनी तो ना खेले, लेकिन एटलीस्ट जो मल्टी टीम टूर्नामेंट होते हैं ये बेसिकली ये नहीं होना चाहिए, टेक्निकली तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन देखें इंडिया जो है वो ये बोझ उठा सकता है। इंडिया ये बोझ इसलिए उठा सकता है बिकॉज इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, वो भले पैसा देते हैं। एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। जो एसीसी के सदर हैं जय शाह, उन्होंने अपने तौर पे ये फैसला कर लिया है कि जनाब इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। और इस फैसले से इस खत्ते के क्रिकेट पे, एशिया की जो क्रिकेट है उस पर क्या असरात मुजम्मरात और इसके सम्राट होंगे, यकीनी तौर पर ये देखना होगा, क्योंकि अब जो है एक खुल के बात सामने आ गई है कि किसी भी सूरत इंडिया जो है वो पाकिस्तान खेलने आना नहीं चाहता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इजलास का सिलसिला जारी है, मीटिंग्स हो रही हैं और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने कुलीग के साथ और जो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर हैं उनके साथ बैठ के इस अगला लाहे अमल तय कर रहे हैं कि अब इतने बड़े डिसीजन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगला मौकफ क्या होगा। क्योंकि हमें और आप सबको याद है कि रमीज राजा साहब जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं थे उस वक्त उन्होंने यह कहा था कि बिग थ्री की तजवीज को मान लेना चाहिए और इंडिया के साथ हमें अपने क्रिकेट रवाबित को बेहतर करना चाहिए, और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि इंडिया के साथ हमारे क्रिकेट के रवाबित को बेहतर किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ से हमें कुछ उस अंदाज का जो है रिस्पांस नहीं मिल सका। देखिए यार, आप अपनी तनाई का शिकार, अपनी तनाई को इंडिया में क्यों ढूंढते हैं? सबसे पहली बात तो यह कि आप अपने पैरों में कब खड़े होंगे? आप अपने पैरों पर खड़े होंगे तो आप दूसरा अगर पड़ोस में कोई ऊंची आवाज में आ रही आवाज तो बजाए कि उसको जाके समझाएंगे भाई ठीक है ऊंची आवाज नहीं रखो, हल्की आवाज कर लो, हम भी कम से कम कोई कुछ ना कुछ हैसियत रखते हैं। आपने अपनी तनाई का इजहार इस तरह खुलेआम कर दिया कि जैसे आप यतीम हो गए। जब बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वो पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत टीम है कि वहां जाके खेलने को तैयार होते हैं, पाकिस्तान खेलने आने को तैयार नहीं होते। जी आपका जो इजलास हुआ नहीं ना, अपने तौर पर डिसीजन ले लिया। मुझे एक बात बताइए आपके। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन था, क्यों वो बायकॉट करेंगे 2023 का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है इंडिया में होने वाला उसका। तो उन्होंने बोला है कि इंडिया एशिया कप 2023 जो पाकिस्तान में होने वाला है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता है तो भारत नहीं आएंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट की क्लियर एंड कट पॉलिसी है, पाकिस्तान अनटिल अनलेस भारत के साथ टेररिज्म में जो एक्टिविटीज़ करता है वो बंद नहीं करेगा, भारत में टेररिज्म फैलाना बंद नहीं करेगा, जिहाद फैलाना बंद नहीं करेगा, भारत कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। अब मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर आपको पता है हिजाब कंट्रोवर्सी हुई थी कर्नाटका में, उसको लेकर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने ट्वीट किए थे। ये एक प्रकार का आपको बता दूँ पैन इस्लामिक जिहाद ही है, मैं इसको जिहाद ही बोलूँगा। रिजवान मोहम्मद रिजवान ने उसको लेकर अपनी डीपी चेंज की थी। मोहम्मद रिजवान लास्ट ईयर इंडिया का वर्ल्ड कप में मैच 24 अक्टूबर, उस दिन इंडिया के हारने के बाद बहुत सारे लोगों को गालियां पड़ी, कोहली को जबरदस्त गालियां पड़ी, रोहित शर्मा को जबरदस्त गालियां पड़ी, मोहम्मद शमी को भी गाली पड़ी, जैसे इस बार सरदार को पड़ी थी अभी एशिया कप में हारे थे। लेकिन पॉइंट किसको किया गया, केवल मोहम्मद शमी की गालियों को देखा गया और मोहम्मद शमी की गाली को लेकर मोहम्मद रिजवान का ट्वीट आया था। खुद वो उसमें नमाज पढ़ता है, कोई कुछ नहीं। पाकिस्तान का एक एक्स क्रिकेटर है वकार यूनुस, वो कहता है हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी। तो इस तरीके की इनकी एक्टिविटी, इनके दिमाग में जहर है, दिमाग में इनके जिहाद है। भले वो धर्म के नाम पर इतना धर्म घुस गया कि हर चीज़ में इनको धर्म दिखता है, हर चीज़ में इनको मजहब दिखता है। तो फिर आप सोचें इनके साथ हम क्रिकेट खेलें तो ये लोग तो फिर कुछ दिन बाद कश्मीर और ये सब करेंगे। शाहिद अफरीदी को आप देख सकते हो, शोएब अख्तर को देख सकते हो, ये भोगते रहते हैं कश्मीर को लेकर आए दिन। तो आप समझ जाएं भारतीय गवर्नमेंट का फैसला बहुत अच्छा फैसला है, हमें नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, ऐसी की तैसी तुम्हारी नहीं खेलना है। सीधी बात, नहीं खेलना तो नहीं खेलना है, अच्छी बात है, कोई मलाल नहीं। बहुत है हमारे पास, बहुत जितनी इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड से खेलो, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया से खेलो, साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका से खेलो, कोई जरूरत नहीं इनके साथ खेलने की, कोई भी जरूरत नहीं है।
आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अगर आपको ये वीडियो